सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हरि दर्शन विद बिलजीत। आज मैं चांदी चौक में स्थित शनि मंदिर आया हूँ। ये चांदी चौक का बहुत ही पुराना टेंपल है, देखने से ही लग रहा होगा आपको, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और ये श्री शिव नवग्रह मंदिर धाम भगवान शिव नवग्रह की उपस्थिति के साथ नवग्रह को समर्पित है। 1982 में इसका निर्माण हुआ था। मंदिर का मुख्य धाम श्री शनि महाराज को समर्पित है। मुख्य द्वार के शीर्ष पर ही श्री सूर्य देव स्थापित है। हनुमान मंदिर और शनि मंदिर भी इस परिसर में जुड़े हुए हैं। अभी देख सकते हैं, अभी अंदर से भी दिखाऊंगा आपको। संस्थापक है श्री गिरिराज महाराज ट्रस्ट हैं। ये चांदनी चौक भाई मतीश दास चौक के पास ही है। बिल्कुल आप जब आएंगे यहाँ पे लाल किले से जब सीधा चलते हुए आएंगे, सामने ही अंदर जाके ये गली में सामने ही एक बहुत बड़ा टेंपल बना हुआ शनि देव जी का, और बहुत पुराना टेंपल है। यहाँ पे शनिवार के दिन बहुत ही जबरदस्त भीड़ लगती है। बहुत ही पुराना टेंपल है, इसलिए यहाँ पे आसपास के लोग बहुत आते हैं, दूर दूर से लोग भी यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। और चांदनी चौक में जब आएंगे तो यहाँ पे तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। सामने ही लाल किला है, सामने ही शिव मंदिर है हमारा, और सामने ही बहुत फेमस जैन मंदिर है। मैंने उसको अपने शिव मंदिर और जैन मंदिर को भी अपने इस चैनल पे दिखाया है, आप नीचे जाके मेरे वीडियो में देख सकते हैं। और सामने ही चांदनी चौक टेम्पल है शीशगंज गुरुद्वारा, जो कि मैंने वीडियो में दिखा चुका हूँ, आप उसको भी वीडियो में जा कर देख सकते हैं। और ये चांदनी बहुत ही फेमस मंदिर है ये शनि देव जी का, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कवर करने आया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से मैंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है राधा कृष्ण दरबार, छोटे छोटे टेम्पल के रूप में बनाए गए हैं, बहुत अच्छा दिखाया गया है, शीशे में कवर्ड है। ये देखिए, ये है शेप टेम्पल की, उसको कलर बहुत अच्छा किया हुआ, पेंट बहुत अच्छा किया हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है जब। और ये देखिए यहाँ से, ये है माँ संतोषी माँ का दरबार है। देखिए कैसे दिखाया गया है माँ संतोषी माँ को। और ये है श्री श्याम दरबार, इसको कवर कर रखा है ग्लास में, आप बाहर से इसको इजीली देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है बाहर से। और ये देखिए आप, ये तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, ये शनि दशा के कारण जब लक्ष्मण को बाण ने मूर्छित कर दिया था। और ये है यहाँ पे शिवलिंग स्थापित, बहुत ही पुराना शिवलिंग स्थापित है, देखिए। और रोज यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। यहाँ पे देखिए किस तरह से डिजाइन किया गया, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा दिखाया गया है। देखिए मैं जब आया था, मैं जब आता ही जाता हूँ उस टाइम, सुबह के टाइम जाता हूँ जब ज़्यादा भीड़ ना मिले, ताकि मैं आराम से अपने वीडियो को शूट कर सकूँ। और ये देख सकते हैं अब यहाँ से, अभी मैं दिखाऊंगा आपको शनि देव जी स्थापित, ये हैं हमारे शनि देव जी, ये है माँ काली, माँ काली को भी दिखाया गया है, माता का दरबार, जय माता दी। यहाँ से अभी मैं दिखाऊंगा आपको शनि देव जी स्थापित, जो कि बहुत ही पुरानी मूर्ति रखी गई है और बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है, बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा तरीके से इसको सजाया गया है अंदर से, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ये है हमारे शनि देव जी सामने ही, ये हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप। पूरे वीडियो को कवर करने की कोशिश करी, पूरे टेंपल को कवर करने की कोशिश करी है, यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बहुत अच्छी जर्नी थी जब मैंने यहाँ पे टेंपल को देखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, दैट्स द एंड ऑफ माई वीडियो, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। गुड बाय।